दोस्तों, केवीएस फैंसियर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं श्री लक्ष्मी फोटो फ्रेम्स। हमारे इंडिया क्या हम वर्ल्ड कहेंगे कि हमारे वर्ल्ड में 90% लोगों के घरों में फ्रेम्स पाए जाते हैं, जो हमारी यादों को, हमारी जो मेमोरीज है, हमारे कल्चर को, हमारे देवी देवता है, कुछ भी हो तो उसका फ्रेम में हमारे घर में जो उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो ये फ्रेम्स कहाँ बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या मशीनें यूज़ होती हैं, इसके बारे में हमारे मित्र हैं मोहित गोयल जी और सत्य प्रकाश जी। तो उनसे हम ऑफिस से पहले चल के मिलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फ्रेम कैसे बनते हैं। तो इसी के साथ मैं ऑफिस के अंदर आ गया हूँ, मोहित गोयल जी के पास और सत्य प्रकाश जी के पास। तो भैया, आप ये कब से काम कर रहे हैं अपना? सबसे पहले तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहित गोयल है। सीतापुर रोड पर टालीगंज क्रॉसिंग के पास में मेरी श्री लक्ष्मी फोटो फ्रेम के नाम से शॉप है और मैं तकरीबन 2008 से इस लाइन में हूँ यहाँ पे लखनऊ में। और सत्य प्रकाश भैया जी, आप भी मतलब भैया के साथ ही, आप लोग दोनों लोग साथ ही में कर रहे हैं? हाँ जी, 2008 से ये हम काम कर रहे हैं, सुचारू रूप से अच्छा काम चल रहा है हमारा। और ये फ्रेम का जो काम होता है भारत के बड़े पैमाने में होता है, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, लगभग सभी के घरों में 99% फ्रेम लगते हैं भगवान के, जैसे शादियों, पार्टी वगैरह, विवाह आदियों में। ये यादगार का एक अचूक तोहफा है, फोटो फ्रेम यादगार के लिए एक अचूक तोहफा है। तो भैया, अगर किसी को अगर अपना रोजगार स्टार्ट करना है कोई छोटे पैमाने पे, तो आप उसको किस तरीके से आप हेल्प करते हैं उनकी? भैया, 2008 से अब तक हम तकरीबन 200 नई दुकानें हम खुलवा चुके हैं, जिसमें लोग हमारे पास में आते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें कुछ काम नहीं आता है, तो हम उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और उनको नई दुकानें खुलवाते हैं, मशीन दिलाते हैं उनको, और जो भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है, उनको क्या रेट, क्या कॉस्टिंग, क्या मार्केट में, क्या बाजार में रेट जाना है, उनकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। तो जिस किसी को भी नया बिजनेस स्टार्ट करना हो फोटो फ्रेम लाइन में, थोड़ा सा क्रिएटिव काम है, बड़ा अच्छा, बहुत लोग इन्जॉय करते हैं इस काम को, तो किसी को भी इसमें कोई इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और हम उसमें हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो जो इसमें जो मशीनें लगती हैं तो ये भी आप लोग प्रोवाइड करा देते हैं? जी बिल्कुल, ये मशीनें सभी हम प्रोवाइड कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम कराते हैं और उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम उसको ठीक कराते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते, बंदा सही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने भारत में तो मालूम ही है कि वर्ल्ड में भी फ्रेम्स का महत्व बहुत है और इसमें फ्रेम्स बनाने में भैया लोगों का भी योगदान बहुत है, जो हमारी यादों को, हमारे जो कल्चर को है वो सेव रखते हैं और उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो भैया, आप एक हमारे लिए एक फ्रेम तैयार करके देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों चलते हैं, फिर देखते हैं कि एक फ्रेम बना के भैया हमको देंगे, देखते कैसे बनता है।
फाइनली ये हमारा फ्रेम तैयार हो चुका है भैया, जरा देखें जरा। वाह कितना सुंदर लग रहा है फ्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया फ्रेम बनाने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि फ्रेम कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, और अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में यहाँ का श्री लक्ष्मी फोटो फ्रेम्स का ईमेल आईडी दे रखी है, जिसको अगर संपर्क करना हो तो उनको मेल कर सकता है, और अपना कोई नया व्यवसाय अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी संपर्क कर सकता है। और प्लीज़ वीडियो बनाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।